नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। हम इसके अंदर जो ड्राइंग्स हैं वो क्यों नहीं बनाते। हम हमेशा बात करते हैं फर्स्ट एंगल की और थर्ड एंगल की, तो सेकेंड और फोर्थ एंगल की हम बात क्यों नहीं करते, इसके अंदर हम ड्राइंग क्यों नहीं बनाते इन एंगल्स के अंदर, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, उसके पहले हमें समझना होगा कि क्वाड्रेंट और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसकी रोटेशन को। तो हम जानते हैं हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट एंगल, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी प्रोजेक्शन बनाते हैं, ड्रा करते हैं इन प्लेन्स के ऊपर, जो ये है वर्टिकल प्लेन है और जो ये है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इनके ऊपर जब ड्राइंग की जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है या लाइन है या कोई ऑब्जेक्ट है, जब इसकी प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे पड़ती है, जब ऊपर से देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये हमें याद रखना है कि जब भी हम रोटेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे और वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हमें याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ इस तरह से होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे बनता है तो इसी तरह से। देखिए, अगर यहाँ पे हम सेकेंड एंगल की बात करें तो सेकेंड एंगल के अंदर जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे और टॉप से यहाँ पे, तो क्या होगा, प्रोजेक्शन लेने के बाद क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो पॉइंट के केस में ऐसा हो सकता है कि जो ये हमारा ये व्यू है, जो टॉप व्यू यहाँ पे बना था, वो इसके नीचे कहीं पे आ जाए। मीन्स क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एक्स वाई ये रेफरेंस लाइन बनाई, जब आपका फ्रंट व्यू यहाँ पे बना, ये फ्रंट व्यू हम लिख देते हैं, ये फ्रंट व्यू है, इसी तरह से टॉप व्यू जब रोटेट किया तो ये पॉइंट जो टॉप व्यू होगा या तो इसके ऊपर आएगा या नीचे आएगा, टॉप व्यू जो पॉइंट है टॉप व्यू का, तो ये भी हो सकता है 1 या ये भी हो सकता है 2। तो क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो उसको जब रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। पॉइंट के केस में हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रा कर सकते हैं अगर इनकी डायमेंशन सेम नहीं है, कम या ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करें, मान लीजिए कोई एक स्केयर है हमारे पास, यहाँ पे कोई स्केयर है, तो क्या होगा, स्केयर का जब टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा इस तरह से और फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, और जब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट किया जाएगा 90 डिग्री, तो क्या होगा, ये स्केयर था, जब इस टॉप व्यू को, ये जो प्लेन था हॉरिजॉन्टल, इसको रोटेट किया गया तो ये टॉप व्यू बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, देखिए इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हम हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो सेकंड एंगल में देखिए, ये जो है वो इस तरह से होगा, देखिए ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमें फ्रंट व्यू ड्रा कर दिया और टॉप व्यू ड्रा कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया जाएगा, मीन्स इस तरह से रोटेट किया जाएगा, और जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। देखिए ये बंद हो गया, तो इससे क्या होगा, जो हमारे प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी थी वो वर्टिकल प्लेन की जो प्रोजेक्शन हमने बनाई थी उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारी ड्राइंग सारी ख़राब हो जाएगी, ओवरलैपिंग के कारण ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, तो इसको हम पढ़ भी नहीं सकेंगे कि हमने क्या बनाया है। तो इसी तरह से अगर हम फोर्थ एंगल की बात करें, फोर्थ एंगल के अंदर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह से होगा, और वर्टिकल प्लेन ये है। इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रोजेक्शन हम ड्रा करते हैं वर्टिकल प्लेन पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो भी ड्राइंग होगी वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर फिर से ओवरलैप हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, फिर से ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो मतलब क्या है,
तो सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल के अंदर हम ड्राइंग को क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग्स हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, कट कर जाती हैं, जिससे क्या है पूरी की पूरी ड्राइंग खराब हो जाती है। तो पॉइंट के केस में ये हो सकता है कि पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग है तो वो आपस में ओवरलैप होगी होगी, तो उससे क्या होगी सारी ड्राइंग खराब हो जाएगी। तो इसीलिए सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल की लगभग हम बात नहीं करते। अगर किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करते हैं पॉइंट में बात कर सकते हैं, अगर इनकी डायमेंशन सेम नहीं है इससे यहाँ तो ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन अगर ये भी डायमेंशन सेम होगी तो भी पॉइंट ओवरलैप कर जाएंगे। तो ओवरलैपिंग के कारण हम सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल के अंदर ड्राइंग को नहीं बनाते। तो ये है रीज़न कि हम सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल का यूज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग या मशीन ड्राइंग में नहीं करते, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होने के कारण। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।